Memon. टाइगर के अलावा मेमन परिवार का और कोई भी इन्वॉल्व नहीं था ब्लास्ट। जलियांवाला और टाइगर ने किया जो हुआ, आईएसआई ने टाइगर का इस्तेमाल किया और जलियांवाला ने उन लोगों के लिए दुबई से कोऑर्डिनेट किया था। आईएसआई के लिए? आईएसआई के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप कह रहे हैं कि मेमन परिवार का कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आप सबको जानकारी थी? जानकारी नहीं थी। फिर मेमन परिवार ब्लास्ट के 3 दिन पहले चला क्यों गया? दुबई गया, टाइगर ने टिकट करा के दिया, हम चले गए, अक्सर जाते थे हम दुबई। जलियांवाला की बेटी की शादी पर आप गए थे? जी नहीं, मैं क्या, मेमन परिवार का कोई भी वहां नहीं गया था, हमको पहले से बोल दिया गया था। किसने बोला? जलियांवाला ने। क्यों? वो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्यों, अब तो सबको मालूम है क्यों। आप वापस क्यों आ गए? मैडम वहां बहुत मर मर के जी रहे थे हम। और फिर मैं दुबई गया, वहाँ एक वकील है, उसने बोला कि हल्की फुल्की सजा होगी, तो मैं आ गया। आप नई दिल्ली स्टेशन पर क्या कर रहे थे? सीबीआई ने छोड़ा था मुझे वहाँ पर। यानी सीबीआई ने आपको अरेस्ट किया था? मुझे अरेस्ट किया गया था काठमांडू एयरपोर्ट पे, फिर सीबीआई मुझे लेकर के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गई और वहाँ पर छोड़ करके फिर से अरेस्ट कर लिया। एक सवाल, टाइगर मेमन कहाँ है? मैडम वो आप आईएसआई से पूछिए, वो कहाँ है। आप उनके भाई हैं, आपको कुछ तो जानकारी होगी। नहीं, एक साल से टाइगर मेमन से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि इस वक्त वो कहाँ है। इट इज रिपोर्टेड दैट द मेमन फैमिली हैज सॉट शेल्टर इन पाकिस्तान, विल पाकिस्तान असिस्ट इन एनी वे टू एक्सट्राडाइट देम? आई कैन अश्योर यू द मेमन फैमिली हैज नॉट सॉट असाइलम इन पाकिस्तान. We have certainly not issued any visas to them. They have not approached any one of us. We don't know the Memon family at all, unless these visas have been issued by the Indian government. That's a little far-fetched, that the very people that we want, we would issue visas for them to go to your country. Well, you never know. You never know. Because these are people who certainly have nexuses right across the board. If it is true, and it does turn out that members of the Memon family are in Pakistan, and your government agrees that they are there and there's no denying it, would you then allow India to extradite them? First of all, as I said and I repeat with authority at my command, that these people are not there, definitely not there. And they may not be there today, but they could get there. And I can assure you we will not admit them. वही तो मैं कह रहा हूं, टाइगर के अलावा ब्लास्ट में मेमन परिवार का और कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। और दाऊद इब्राहिम? हेलो। हेलो जेठमलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ, हु इज दैट? सर दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। एक तो मेरे पे जितने पेंडिंग केस है बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा, वो सब ड्रॉप किए जाएं, और मेरे को अरेस्ट होते ही बेल मिल जानी चाहिए। हाउस अरेस्ट करके तब तक रखो जब तक ट्रायल चलता है, फर्क नहीं करता। उसको बोलो कि वो राजा भी क्यों ना हो दुबई का, लेकिन इधर किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। गलती हो गया। ओए बोट रोको, जो जहां पर है वहीं रुक जाए। हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली मार दूंगा। आप सुन लो, हद हद
शाबाश। ओए, रुक जा। इसको जिंदा रखना है खबर देने के लिए। और माल बोट में रखो। ओए हिलना नहीं, बिल्कुल ना हिलना। चल पीछे, हाथ नीचे। हाँ हाँ ठीक है। असलम और जाट ने अपना पूरा कंसाइनमेंट उठा लिया। हेलो, कितने का कंसाइनमेंट था? कौन बोल रहा? तेरा सामान वापस दिला सकते हैं अगर तू चाहे तो, तेरे हाथ में। तेरा जो गैंग वॉर का प्रॉब्लम चल रहा है असलम बट्टी और दाऊद जाट के साथ, वो अपने हाथ में, जब चाहो सॉल्व कर देंगे। क्यों? चुप क्यों हो गया? बदले में क्या करना होगा? हमारा सामान उतारना होगा शिकारी में। हमारा आईएसआई का? चुप हो गया क्या? सामान क्या है? 6 दिसंबर भूल गया था। तहरीक इंतकाम सोच के बताता हूं भाई। ये पार्सल आया अपनी डोंगरी से। एक भाई के लिए जो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका।